नमस्कार सभी साथियों का स्वागत है। लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरुआती रुझान देख पा रहे हैं, ये शुरुआती रुझान लगभग 8:30 बजे के हैं और 8:30 बजे के शुरुआती रुझान में आप देख सकते हैं अभी फिलहाल जो है 14 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और 35 सीटों पर कांग्रेस, और आगे भी फिलहाल के शुरुआती रुझान में कांग्रेस 40 सीटों पर आगे चल रही है और जो है बीजेपी 25 सीटों पर आगे चल रही है। यानी शुरुआती रुझान में कहीं पर भी हो कांग्रेस पार्टी बीजेपी से आगे चल रही है। जी हाँ, अभी फिलहाल के शुरुआती रुझानों में ये चल रहा है, लगातार जो शुरुआती रुझान हर 10 मिनट में चेंज हो रहे हैं। अगर बीजेपी आगे बढ़ रही है तो कांग्रेस पार्टी भी आगे बढ़ रही है, ऐसा नहीं है, निर्दलीय भी यानी आदर्श भी आगे बढ़ रहे हैं। अब सभी की निगाहें हिसार की सीटों पर, शुरुआती रुझान क्या है हिसार की सीटों के। शुरुआती रुझान आपको बता दें कि हिसार के प्रॉपर सीट से सावित्री जिंदल शुरुआती रुझानों में आगे चल रही हैं। जी हां, आदमपुर से जो है भव्य बिश्नोई जी शुरुआती रुझानों में आगे चल रहे हैं। हालांकि चंद्र प्रकाश कांटे की टक्कर में यहाँ पर आदमपुर की सीट से, वहीं पर उकलाना से नरेश सेलवान आगे चल रहे हैं और वहीं से नलवा से आपको बता दें कि अनिल मान आगे चल रहे हैं। जैसी पेटवार नारनौल से आगे चल रहे हैं, वहीं पर बरवाला से, जी हाँ बरवाला से संदना सातरोड शुरुआती रुझानों में जो है रामनिवास गोड़ला की टक्कर देती हुई नजर आ रही है। वहीं पर कांग्रेस उम्मीदवार रणवीर गंगवा पीछे चल रहे हैं। जी हाँ, शुरुआती रुझानों में सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हो रही है, अब धीरे धीरे मशीन वार्ड वाइज खुलने शुरू हो चुकी है और शुरुआती रुझान लगातार हर 10 मिनट में चेंज हो रहे हैं। तो हम 10 मिनट में आपको लाइव अपडेट देते रहेंगे, तो आज 24 की लाइव वीडियो पर आप चले जाइए, लाइव देखते रहिएगा। जय हिंद साथियों।